1, 2, 3, 4. रे जनता ऊंच नीच के पापड़े में लड़ते पड़ते गोल, फिर भी बाज ना आए बंदर बाट के झोल। संत मंत्री पुलिस कलेक्टर सभी खड़ा माडोल, ज्ञान में खोट ना आए भारत एक मौज। हेलो दोस्तों, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल और स्वागत है आपका उस शो में जिसका नाम है भारत एक मौज। आपको जैसे कि पता है मैं बोलता रहता हूं हमेशा, इस देश में मौजों की कोई कमी नहीं है। इस बार की रंगीन मौजें लेके मैं एक बार फिर से आ गया हूं और उम्मीद करता हूं आपको भी थोड़ा मजा आएगा इन मौजों को देखते हुए। दोस्तों, एडवर्टाइजिंग बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। एडवर्टाइजिंग का लॉजिक ये है कि वो एस्किमो को भी रेफ्रिजरेटर बेच देते हैं। ये मैं बचपन से सुनता हुआ आ रहा हूं और देख भी रहा हूं। आप साबुन, तेल, कंघा, वॉशिंग मशीन, टेलीविजन, कंप्यूटर, चाहे आपको उन चीजों की जरूरत हो या ना हो, लेकिन एडवर्टाइजमेंट आपको बताएंगे कि आप वो चीज लें क्योंकि आपको उसकी जरूरत है। फेयर एंड लवली की नई 30 दिन वाली ट्यूब, रोज लगाओ और 30 दिन में पाओ चांद सा निखार। आयुर्वेद न्यूट्रिगेन से वजन बढ़ा के हम फिट हैं। सिर दर्द, थकान और अनिद्रा से राहत के लिए नवरत्न तेल। ठंडा मतलब सिर्फ कोका कोला। लक्स कोजी, अपना लक पहन के चलो, अपना असली फ्लेवर भूलना नेवर। बिंगो यमीटोस फ्रॉम ITC। अब ये एडवर्टाइजमेंट का दौर आगे बढ़ते बढ़ते पॉलिटिकल पार्टीज में भी पहुंच चुका है और क्यों ना करें, अपना काम तो उन्हें एडवर्टाइज करना ही पड़ेगा। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि बीजेपी ने, भारतीय जनता पार्टी ने इतनी एडवर्टाइजिंग करी कि उन्होंने सारे ब्रांड्स को पीछे छोड़ दिया। ये ग्राफिक मैं आपको दिखाता हूं जिसमें सबसे ऊपर बीजेपी है कि उनके एड्स कितने ज़्यादा चले टेलीविजन के ऊपर, और उसके बाद में नेटफ्लिक्स, ट्रिवागो, संतूर, डेटॉल, वाइप, कोलगेट डेंटल क्रीम, डेटॉल टॉयलेट सोप, अमेजोन प्राइम और रूप मंत्र आयुर फेस क्रीम। और सबसे ऊपर है एक पॉलिटिकल पार्टी, मतलब वो भी एक प्रोडक्ट की तरफ बेचा जा रहा है। और जैसे कि मैंने कहा कि इतना खर्चा किया है अपने एड्स के ऊपर, इतने ज़्यादा दिखाए गए हैं, तो वो एड्स को देखना मतलब हमारा ऊपर एक तरह से फर्ज बन जाता है कि इनको देख तो लो, किसी ने इतनी मेहनत करी है, क्या बनाया जरा देख लेते हैं। पानी की पाइप में कचरा फंस जाता है, भाभी जी क्या करती हैं? रिक्वेस्ट करती हैं क्या, कचरा भाई हट जाइए प्लीज। अरे पंप लगाकर कचरा बाहर प्रेस करती है ना। वही किया मोदी जी ने, बातों से नहीं, धरनों से नहीं, जात पात से नहीं, हिंदू मुसलमान से नहीं, खुशामत खोरी से नहीं, रिश्वत खोरी से नहीं, दादागिरी से नहीं, कचरा निकाला नोटबंदी से। और ये मोदी जी का ही नहीं, हमारा भी फैसला है। जिन्हें पहली बार सर पे पक्की सड़क बनवाई, पहली बार गांव में पक्की सड़क बनवाई, पहली बार। अरे भाया, इसलिए तो मैं भी बनावन वाला हाँ। काई? भाजपा सरकार फिर से। भाजपा सरकार जो कहती है ना वो करके दिखाती है भाई साहब। तो दोस्तों, देखा आपने, इतना सारा खर्चा करने के बाद इतने घटिया एड्स बनाए। मतलब वही बात होती है ना कि एडवर्टाइजिंग, वैसे तो मुझे तो फ्रॉड ही लगता है किसी भी चीज का एडवर्टाइजिंग हो। आपको तब से ही बताया जा रहा है कि आप कोलगेट से अपने दांत मांजते रहोगे तो आपके दांत में कभी भी कोई कैविटी नहीं होगी, लेकिन मैं हिंदुस्तान में शायद ही किसी एक इंसान को जानता हूं जिसके दांत में कैविटी ना हो। तो इसका मतलब कोलगेट अपना काम ठीक से नहीं कर रहा है। अब इतना सारा खर्चा करने के बाद ये एड्स बनाए, नो वंडर कुछ फायदा नहीं हुआ इन एड्स का। लास्ट में रिजल्ट आपको पता ही है क्या हुआ। तो आप देखें, बीजेपी ने जीतने के लिए ना सिर्फ एडवर्टाइजिंग में पैसा खर्च किया, लेकिन वो उनके स्टार कैंपेनर थे योगी आदित्यनाथ, जो अपना प्रदेश छोड़ के, वहां पे जो भी कुछ भी हो रहा है उसको छोड़ के दूसरी जगह जगह घूम के बीजेपी का परचम लहराने की कोशिश कर रहे थे। जहां देखो योगी आदित्यनाथ स्पीच दे रहे हैं, कुछ नाम बदलने की धमकी दे रहे हैं, कुछ और इधर उधर की बातें कर रहे हैं, लेकिन कुछ भी काम आया नहीं। ना तो एडवर्टाइजिंग से कोई फायदा हुआ, ना योगी की स्पीच से कुछ फायदा हुआ, और बीजेपी सब जगह हार गई। कमलनाथ का बयान तो आए गया कांग्रेस के नेता का, उन्हें बजरंग बली नहीं चाहिए, उन्हें अली चाहिए, हमें बजरंग बली चाहिए। ठीक है, लेकिन मजे की बात यह है कि बीजेपी के हारने के बाद जो उनके प्रवक्ता और जो उनके शुभचिंतक हैं वो किस किस तरीके जस्टिफिकेशन और रीजनिंग दे रहे थे, कई बार तो मेरे को हंसी भी आ गई। अली बाबा 40 चोर मचाए चौकीदार का शोर, एंड हेंस फोर्थ स्थान, यू कैन नॉट से दैट वी हैव बीन डेसिमेटेड लाइक द वे कांग्रेस वाज डेसिमेटेड इन द अर्ली इलेक्शन, दे हैव लॉस्ट मिजोरम, सो नॉर्थ ईस्ट इज
Congress mukt now. In Telangana, you have seen what has happened. The alliance has not worked. The Mahagathbandhan has failed. And TRS is again forming the government. How much did you get? About Rajasthan, initially people had predicted that we'll be completely way behind. But we've come back in a big way. लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूं कि ऑप इंडिया नाम का एक पब्लिकेशन है जो सहानुभूति रखता है बीजेपी से, अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है इसमें. उसमें एक आर्टिकल पब्लिश हुआ कि ये इलेक्शन बीजेपी जानबूझ के हारी है, अपनी मर्जी से हारी है, ये उनकी कोई स्ट्रेटजी है. मेरा सवाल उनसे सिर्फ ये है, अगर आपने जानबूझ के हारना ही था तो आपने इतने सारे पैसे क्यों खर्च कर दिए एड्स के ऊपर यार? किसी और चीज में खर्च कर देते. योगी जी के पास एक ही चश्मा है, वो बार बार वही पहन के निकल लेते, उनको नए चश्मे दिला देते. प्रियंका चोपड़ा की शादी में मोदी जी गए थे, कोई महंगा सा गिफ्ट लेके चले जाते हैं वहां पे. आपने इतने सारे पैसे इस एड कैंपेन पे खर्च किए हारने के लिए, ये लॉजिक मेरे को समझ में नहीं आता कि कौन हारने के लिए पैसा खर्च करता है. दोस्तों, चाहे इंश्योरेंस का एडवर्टीजमेंट हो, चाहे गहनों का हो, चाहे टूथपेस्ट का हो, किसी भी चीज़ का एडवर्टीजमेंट हो, आप अक्सर देखते हैं कि उसमें एक हिंदुस्तानी परिवार दिखाया जाता है जो बहुत खुश है, जिसके घर में बहुत खुशहाली है, हस्बैंड वाइफ और उनके बच्चे और उनके इन लॉज सब साथ में मिल बैठ के खा रहे हैं, पी रहे हैं, हंस रहे हैं, मतलब सुखी परिवार है. इतना सुख है कि देख के मन भर आ जाता है. और मैं सोचता हूँ कि ऐसे परिवार असलियत में मिलते क्यों नहीं है, क्योंकि बहुत कम होता है कि लोगों की बनती है आपस में. हस्बैंड वाइफ की नहीं बनती, हस्बैंड वाइफ की बनती है तो इन लॉज के साथ नहीं बनती है, मतलब जरूरत से ज़्यादा खुशी. ये बीजेपी के एड्स में जो खुशहाल दिखा रहे हैं लोगों को, ट्रक चलाने वाला भी खुश है, आटे की चक्की चलाने वाला भी खुश है, और किसान भी लहरा रहा है करण जौहर की फिल्मों में जैसे हीरोइनें लहराती हैं कि मैं कितना खुश हूँ यहाँ पे, ये हैं कहाँ पे हैं? अगर ये किसान खुश है तो फिर ये कौन थे जो जंतर मंतर पे इतनी दूर से चल चल के आए थे? कि 100 दिन के बाद रहे, 4 साल हो गई, ले बताओ मोदी जी अब ले अच्छा दिन आई, ले बताओ मोदी जी अब ले अच्छा दिन आई, ले बताओ मोदी जी 4 साल ए 100 दिन के बाद रहे. सरकारी मूल नहीं बन मिल रहा है, हम लोग फसल हम लोग पैदा करते हैं, भाव वो लगाते हैं जो एसी में बैठे हुए हैं. आए हैं मांग मांगने के लिए, आए हैं गरीब आदमी, मांग रहे हैं पानी, मांग रहे हैं खाना के लिए चाहिए. कर्जे से डूबे किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं दिन पर दिन, और सरकार जो है आंख मूंदे बैठी है. हमारा जो पैसा स्वामीनाथन रिपोर्ट के आधार पर जो एरियर बनता है सरकार की तरफ, वो हमारा कर्जे के मार्फत माफ कर दे और आगे से हमारे को फसलों का 1.5 गुना कीमत दे. ना मानी तो जी, अब जैसे और चले गए ऐसे ये चले जाएंगे. तो दिल्ली में एक्चुअली देश के कोने कोने से किसान आए अपनी प्रेजेंस फील कराने के लिए, और जहां पे वो ये क्लियरली बोल रहे थे कि हम खुश नहीं हैं. लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं जिनको इस बारे में थोड़ा सा संदेह होता है, इस तरह के पोस्ट लिखते हैं. ये मेरे सोशल मीडिया पर किसी ने ये पोस्ट लिखा है, मैं पढ़ के सुनाता हूं आपको. वाई शुड रागा और नामो डिसाइड टू वेव फार्म लोन्स? डू दे डिसाइड द सेम फॉर विजय माल्या और अनिल अंबानी? पहले तो मुझे इसका मतलब ही समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन फिर आगे बोलते हैं. दिस डांस ऑफ डेमोक्रेसी इज हैपनिंग एट द कॉस्ट ऑफ इनकम टैक्स पेइंग सिटीजन्स ऑफ दिस कंट्री. आई थिंक बैंक्स शुड हैव ऑटोनॉमी इन कलेक्टिंग लोन्स इफ बोरोवर्स कांट पे देम. एनीवेज, हु आर दिस फार्मर्स? ये भाई साहब ने पोस्ट लिखी है. तो ये कौन लोग हैं जिनको ये नहीं पता है कि हु आर दीज फार्मर्स, और जो इनकम टैक्स पे करने की वजह से इतनी एरोगेंस में है कि उनके पैसे वेस्ट हो रहे हैं? मेरा एक सिंपल सा फॉर्मूला है कि जितने भी लोग इनकम टैक्स की धमकी देते हैं आपको, इनको कम से कम 1 महीने के लिए खेती करने के लिए भेज दिया जाए, तब इनको समझ में आएगा कि किसान कितनी मेहनत करता है और उस मेहनत के बाद उसको खुद को कितना मिलता है. क्योंकि खुद तो अपने घर में बैठ के ऑर्गेनिक और नॉन ऑर्गेनिक और इधर उधर की चीज़ें मंगाते रहते हैं, खाते रहते हैं, लेकिन इतनी अकल नहीं लगाते हैं कि कोई इनको उगा रहा है. तो आई रिकमेंड कि ये सारे जो इनकम टैक्स के एरोगेंस आपके मुँह पर फेंकते हैं, इनको 1 महीने के लिए खेती करने के लिए भेज दें. मैं ये मान सकता हूँ कि इन लोगों को कम पता होगा किसानों के बारे में, क्योंकि ज़्यादातर न्यूज़ जो है अपने बारे में, अपने देश के बारे में, इनको टेलीविज़न से देखने को मिलती है. तो मुझे कोई अचरज नहीं है कि इनको किसानों के बारे में कम पता है और अंबानी की शादी के बारे में ज़्यादा पता है, क्योंकि टीवी न्यूज़ चैनल ने
किसान को कम कवर किया, अंबानी की शादी को ज्यादा। देश के सबसे अमीर उद्योगपति मुकेश अंबानी की बेटी ईशा की शाही शादी। इस भव्य शादी में कौन कौन सी हस्तियां पहुंची हैं? आइए देखते हैं खास तस्वीरें। मिस मोहिनी आई और सबसे पहले आपके लिए ईशा अंबानी की शादी की ये खास तस्वीरें लाई है, जिसमें अमिताभ बच्चन अपने हाथों से मेहमानों को खाना परोस रहे हैं, तो मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान भी मेहमानों की थाली में खाना डाल रहे हैं। Ensures for the next seven generations the fruits of his generosity. दोस्तों, दिसंबर का महीना है, शादियों का मौसम है और धड़ाधड़ लोग शादी पे शादी करे जा रहे हैं। लेकिन कुछ शादियां ऐसी होती हैं जिसमें आप अपने घर में बैठे बैठे ज़बरदस्ती शामिल होते हो, जिसमें कुछ शादियां जो हुई हैं अभी, प्रियंका चोपड़ा की निक जोनस से शादी हुई है और मुकेश अंबानी साहब की बेटी की किसी से शादी हुई है। वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि अंबानी की बेटी इंपॉर्टेंट है, किससे शादी हुई है डजंट मैटर एट ऑल। उन शादियों में आपको ज़बरदस्ती शामिल होना पड़ा जाके, क्योंकि टीवी चैनल्स बार बार उस शादी की इमेज दिखाए जा रहे हैं, अखबारों में तस्वीरें छपी जा रही हैं। और तो और वहाँ से अमेरिका से ये हिलरी क्लिंटन भी आ गई अंबानी की शादी में शामिल होने के लिए। मतलब मैं आपको बताऊं कि अगर आपको अपनी ज़िंदगी का सबसे विभत्स इवेंट देखना है ना, तो आप ये अंबानी की बेटी की शादी देख लें। वो जो होता है ना, जो मुझे उसको देख देख के ड्राई हीव्स होने लग रही थी, कि ऐसा लगता था उल्टी अभी आने वाली है, लेकिन फिर वो अंदर ही रह जाती थी। उस पूरे प्रोग्राम को आप फ्रेम बाय फ्रेम देखें तो आप बोलेंगे ये हो क्या रहा है, ये कहीं मैं एनिमल प्लेनेट तो नहीं देख रहा, क्योंकि हर इंसान उसके अंदर अजीबोगरीब तरीके से कूदता हुआ नजर आ रहा था। क्या सेलिब्रेट कर रहे थे मुझे समझ में नहीं आ रहा था, पीछे बड़ा बड़ा लिखा हुआ था गुज्जू, ठीक है। तो वो आप देखें जरा, उसके विजुअल्स देखें और आपको समझ में आएगा कि ये क्या रायता फैला रहे हैं यहाँ पे। आप देखें बीच बीच में गेस्ट बैठे हुए हैं, बॉलीवुड के गेस्ट बैठे हुए हैं, कुछ बाहर से इन्होंने चाइनीज या जापानीज भी बुलाए हुए हैं और मेन्यू कार्ड में अमेरिकन्स भी थे, सब लोग बुलाए हुए हैं। और आप उन जब ये अंबानी फैमिली वहाँ पे नाच रही है तो आप रिएक्शंस देखें लोगों के, आमिर खान बैठे हुए हैं अपनी बीवी के साथ, किरण राव के साथ, और हंस रहे हैं और बोल रहे होंगे यार ये तो थग्स ऑफ हिंदुस्तान से भी ज़्यादा घटिया है, उस हंसी से यही लग रहा था। उधर वो चाइनीज या जापानीज जो भी हैं वो बैठे हुए, वो सोच रहे हैं इंडिया वेरी फनी। ये सब लोग बुला के सारी की सारी बॉलीवुड जमात वहाँ पे इकट्ठी होकर नाच रही है, मुझे समझ नहीं आता हो क्या रहा है। और मैंने इमीडिएटली, मैं अपने टीवी पे जब ये देख रहा था, इमीडिएटली मैंने चैनल फ्लिप किया और मैं वापस एनिमल प्लेनेट पे पहुँचा, तो वहाँ पे जो शेर और लकड़बग्घे और लोमड़ियाँ थी ना, वो ज़्यादा कोरियोग्राफ तरीके से शिकार कर रहे थे बजाय इसके। मैं सबका हूँ अन्नदाता, मैं करूँगा हर मन मानी। दूसरा इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ जब पिगी चॉप्स की शादी हुई निक जोनस से, प्रियंका चोपड़ा मतलब पिगी चॉप्स मतलब प्रियंका चोपड़ा की शादी हुई निक जोनस से, वो भी एक अपने आप में इवेंट था। अभी तो हमारा जो है विराट कोहली और अनुष्का शर्मा और उसके बाद दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह की शादी हजम नहीं हुई थी, ऊपर से ये ओवरडोज और आ गया प्रियंका चोपड़ा। इन सबको क्या है, मतलब इकट्ठी करनी थी क्या शादी, हमें माफ़ कर दो यार, बीच में दो दो साल का गैप ले लो कम से कम, ताकि जो पहली शादी में जो आपने गंद निकाला है बाहर उसको हजम तो कर लें यार पहले के पहले। लेकिन पिगी चॉप्स की शादी हुई और वहाँ पे हमारे प्रधानमंत्री जी भी पहुँचे, क्योंकि उनका तो जाना बनता है, उनको शादी का खाना बहुत अच्छा लगता है और गिफ्ट ले जाना भी बहुत अच्छा लगता है। आपने देखा है वो सीन जहाँ पे पिगी चॉप्स खड़ी हुई हैं और प्रधानमंत्री खड़े हुए हैं मुंह खोल के अपना ऐसे करके, पूरा फ्रेम देख के आपको लगता है कि यहाँ पे डम शराड्स हो रहा है। डम शराड्स ऐसे कि मतलब आप फोटो को ध्यान से देखें, आपको लगेगा कि निक जोनस ने प्रधानमंत्री को कोई क्लू दिया है जिसको वो एक्टिंग कर रहे हैं और पिगी चॉप जो है ना उसको गैस करने की कोशिश कर रही है, और पिगी चॉप्स की मम्मी बड़े ध्यान से देख रही है कि क्या हो रहा है यहाँ पे, है क्लू क्या, क्योंकि मोदी जी का मुंह खुला हुआ है, तो हो सकता है निक जोनस ने उनको ऐसा दिया है कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा उसका, वो डम शराड्स कर रहे हैं और पिगी चॉप जो है उसको गैस करने की कोशिश कर रही है। दोस्तों, बीच में एक बहुत दर्दनाक घटना भी हुई, बुलंदशहर में इंस्पेक्टर सुबोध सिंह को मार दिया गया, जिसको समझदार लोग कहीं पे दुनिया में बोलेंगे लिंचिंग हुई है, लेकिन योगी जी बोल रहे हैं वो एक्सीडेंट से हुआ है। तो आपको मालूम होगा पूरा किस्सा क्या है, बुलंदशहर में सियाने में शोर मच गया कि भाई किसी ने गाय मारी है, भीड़ इकट्ठी हो गई, और फिर जब भीड़ इकट्ठी हो जाती है तो उसका कोई लॉजिक नहीं होता है, तो वो किसी को भी पेलने लग जाती है। इस बार लपेटे में आ गए इंस्पेक्टर सुबोध सिंह। मज़े की बात यह है कि बुलंदशहर के अंदर 15 मुसलमान देशभर से आके इकट्ठे हुए थे और उनकी नमाज के लिए बुलंदशहर में लोगों ने मंदिर तक खोल दिए थे। पब्लिक में इतनी सहिष्णुता है, इतना सौहार्द है आपस में,
लेकिन बीच में किसी ने शरारत करने की कोशिश करी, वो मामला लगे किसने क्या शरारत की क्या हुआ। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि अब ये मॉब ये वो सांप की तरह हो गया कि जिसको दूध पिलाया गया है अब ये उन्हीं को डस रहा है जिन्होंने इसे दूध पिलाया है। यूपी पुलिस अब तक इस बात के लिए डेली प्रेस कॉन्फ्रेंसिस करती थी कि एनकाउंटर हुआ है। उस एनकाउंटर का लगभग हर ही एनकाउंटर का एक ही नैरेटिव होता था कि हम चेक पोस्ट पर खड़े हुए हैं, दो बदमाश मोटरसाइकिल पर आए, हमने उन्हें रोका, वो रुके नहीं और वो हमारी तरफ फायर करके भागने लग गए और हमने सेल्फ डिफेंस में जवाबी फायर किया, उसमें एक बदमाश मारा गया, दूसरा फरार हो गया। ये हर एनकाउंटर का नैरेटिव, हर एनकाउंटर की ये स्टोरी होती थी। लेकिन अब जो है ना, पिछले कुछ दिनों से जब से ये घटना हुई है, ये स्टोरी फ्लिप हो गई है। आप ये देखें, अगर गौरक्षक के नज़रिए से देखें, वो अब ये बोलने लग जाएंगे कि हम गौरक्षक एक चेक पोस्ट बना के खड़े हुए थे, सामने से दो पुलिस वाले आए, हमने उनको रोकने की कोशिश करी, वो भाग गए और हम पे एक फायर किया, हमने जवाबी हमला किया अपने सेल्फ डिफेंस में, उसमें एक पुलिस वाला मारा गया, एनकाउंटर फ्लिप हो गया। मगर यूपी है, यूपी में कुछ भी हो सकता है, यूपी मेरे ख्याल से टाइम मशीन में है जो उल्टी डायरेक्शन में भाग रहा है। लेकिन बुलंदशहर पुलिस की प्रायोरिटी देखिए, चीफ मिनिस्टर ने बोला है कि ये जो इंस्पेक्टर साहब की हत्या हुई है ये तो एक एक्सीडेंट है, आप ये पता करो कि गाय वाला मामला क्या है, गाय को किसने मारा है। पुलिस वहां लग गई है। लेकिन अभी कुछ दिन पहले बुलंदशहर पुलिस का एक ट्वीट आया, मैं ट्वीट आपको पढ़ के सुनाता हूं, जिसमें वो लिख रहे हैं, जिनसे पता चलता है उनकी प्रायोरिटी क्या है और किस बात पे वो छाती ठोक के ट्वीट कर रहे हैं। रिपोर्टिंग चौकी नई मंडी पुलिस द्वारा तितली कबूतर आदि निशान बने चार्ट पर हार जीत की बाजी लगाकर जुआ खेलते हुए 6 अभियुक्त गिरफ्तार, 4,850 रुपये नकद व 6 मोटरसाइकिलें बरामद। पहले तो मुझे लग रहा है जिनके पास 6 मोटरसाइकिलें उनके पास 5,000 रुपये भी नहीं है, पेट्रोल कैसे भराते होंगे, पेट्रोल इतना महंगा है। बहरहाल जब एक इंस्पेक्टर एक SHO को भीड़ मार रही है, यूपी पुलिस तितली और कबूतर पे हार जीत का जुआ खेलने वाले लोगों को पकड़ रही है और ट्वीट कर रही है, वाह। तो दोस्तों ये था इस बार का भारत एक मौज, जिसमें आपने देखा कि बीजेपी की इलेक्शन कैंपेन की एडवर्टाइजिंग से लेके अंबानी और पिगी चॉप्स की शादी तक किसी भी चीज़ में कोई सेंस नहीं था, समझ में नहीं आ रहा था कि ये लोग करना क्या चाह रहे हैं। तो मैं तो वापस जा रहा हूँ एनिमल प्लैनेट देखने, आपको भी रिकमेंड करूँगा कि जो कुछ देश में हो रहा है यू कैन मेक मोर सेंस ऑफ इट बाय वॉचिंग एनिमल प्लैनेट। अगले सीजन में आपसे फिर से मुलाकात होती है इसी शो में जिसका नाम है भारत एक मौज। अरे चटनी एक ऐसी भैया स्वाद सभी सभी रोल, मजे में फिर भी ले चटकारे भारत एक मौज। अरे चढ़ी गई खजूर पे और मौसम हो गया है सोज, महाभारत के काल में हो गई इंटरनेट की खोज, पहलू का सिमर अकबर मांगे जान के भिक्षा रोज, पर काठ के उल्लू बन गए राजा भारत एक मौज। अरे मन की बात करे अरे संडे बिना किसी के रोक, कुछ भी बोले लो आ गई जन कीड़ों की फौज। अब देश में पढ़ना लिखना हो गया टैक्स पेयर पे बोझ, पर कावड़ियों पे फूल की चादर भारत एक मौज। अरे भारत एक मौज, अरे भारत एक मौज, अरे भारत एक मौज, अरे भारत एक मौज, अरे भारत एक मौज।